नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल लीगल आयुर्वेदा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप इस वृक्ष को देखे ही होंगे। यह पेड़ अपनी घनी छांव और ताजा प्राणवायु के लिए जाना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों, यह पीपल का पेड़ है। हवा और छाया के अलावा यह वृक्ष हमारे सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पीपल के 10 प्रकार के होने वाले फायदे के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो पर बने रहें। चलिए दोस्तों, अब हम पीपल से होने वाले फायदे के बारे में जान लेते हैं। सांस संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या में पीपल का पेड़ आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके लिए आप पीपल के पेड़ की छाल का अंदरूनी हिस्सा निकालकर सुखा लें। सूखे हुए भाग का चूड़ा बनाकर खाने से सांस संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इसके पत्तों को दूध में उबालकर पीने से दमा में लाभ होता है। दोस्तों, पीपल के पत्ते का उपयोग कब्ज और गैस की समस्या में दवा के रूप में किया जाता है। इसे पित्तनाशक भी माना जाता है, इसलिए पेट की समस्याओं में इसका प्रयोग लाभप्रद होता है। इसके ताजे पत्तों के रस निकालकर सुबह शाम एक एक चम्मच पीने से पित्त के साथ ही समस्याएं भी समाप्त होती है। पीपल की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं और दांतों में दर्द की समस्या समाप्त हो जाती है। इसके लिए 10 ग्राम पीपल की छाल, कत्था और 2 ग्राम काली मिर्च को बारीक पीसकर बनाए गए मंजन का प्रयोग करने से भी दांतों की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, किसी जहरीले जीव जंतु द्वारा काट लेने पर अगर समय पर कोई चिकित्सक उपलब्ध न हो तब पीपल के पत्ते का रस थोड़ी थोड़ी देर में पिलाने से विष का असर कम होने लगता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आपके नज़दीक में हॉस्पिटल है तब आप तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाएं। त्वचा पर होने वाली समस्याओं जैसे दांत, खाज, खुजली में पीपल के कोमल पत्तों को खाने या इसका काढ़ा बनाकर पीने से लाभ होता है। इसके अलावा फोड़े फुंसी जैसी समस्या होने पर पीपल की छाल को पीस कर लगाने से फायदा होता है। दोस्तों, शरीर के किसी अंग में घाव हो जाने पर पीपल के पत्तों का गर्म लेप लगाने से घाव सूखने में मदद मिलती है। इसके अलावा प्रतिदिन इस लेप का प्रयोग करने व पीपल की छाल का लेप करने से घाव जल्दी भर जाता है और जलन भी नहीं होती। सर्दी जुकाम जैसी समस्या में भी पीपल फल लाभदायक होता है। पीपल के पत्तों को छाया में सुखाकर मिश्री के साथ इसका काढ़ा बनाकर पीने से काफ़ी लाभ होता है। इससे जुकाम जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। त्वचा का रंग निखारने के लिए पीपल की छाल का लेप या इसके पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा त्वचा की झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। पीपल की ताजी जड़ को भिगोकर त्वचा पर लेप करने से झुर्रियाँ कम होने लगती हैं। दोस्तों, पीपल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसके कोमल पत्तों को नियमित रूप से चबाने पर तनाव में कमी होती है और बढ़ती उम्र का असर भी कम होता है। दोस्तों, नाक सिर फूटने की समस्या होने पर पीपल के ताजे पत्तों को तोड़कर उसका रस निकालकर नाक में डालने से बहुत फायदा होता है। इसके पत्तों को मसल कर सूंघने से भी लाभ होता है। फटी एड़ियों में पीपल के पत्तों का दूध निकालकर लगाने से कुछ ही दिनों में फटी एड़ियाँ ठीक हो जाती है और तालू नरम पड़ जाते हैं। पीलिया हो जाने पर पीपल के 3 से 4 नए पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर बनाए गए शरबत को पीना बेहद फायदेमंद होता है। दोस्तों, एक पीपल का पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। आप दुनिया भर की दवाई का उपयोग करने से बचें। आप इसी तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का उपयोग करें। इससे हमारे स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता है, बल्कि इससे हमें कई गुना लाभ ही होता है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें।